360 डिग्री के नाम से जाने और पहचाने जाने वाले सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए तो इस साल बन सकते हैं आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और इसके लिए उन्हें साल 2023 में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है टीम इंडिया के लिए उसकी वजह से उन्हें नॉमिनेट किया गया है। और भी इसमें कंटेंडर्स हैं, उनकी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां तक सूर्य कुमार यादव की बात करी जाए वो 33 साल के हैं और 2023 में उन्हें अवार्ड पहले ही मिल चुका है। 2023 में भी वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 733 रन बनाए हैं 17 इनिंग्स के अंदर। एवरेज की अगर बात करी जाए तो ये 48 के आसपास है और स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है तो ये 155 का है। आपको मैं बता दूं कि साल 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था वहां पर उन्होंने कुछ स्लो पारियां खेली थी जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को और झेलने को मिला। चलिए तो जान लेते हैं कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो टी20 है उनमें किन किन को नॉमिनेशन मिला है। सबसे पहले मार्क चैपमैन का नाम आता है जो न्यूजीलैंड से आते हैं, उसके बाद युगांडा के एक प्लेयर हैं और ये भी कहीं ना कहीं इस नॉमिनेशन का हिस्सा हैं। सिकंदर रजा की अगर बात करी जाए जिम्बाब्वे के स्टार प्लेयर हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और पंजाब किंग्स से खेलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में शामिल हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन चारों में से कौन जीता है ये अवार्ड। हालांकि सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेली गई थी वहां पर भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो होपफुली हम लोग यही दुआ करेंगे कि इस साल भी सूर्य कुमार यादव ये अवार्ड लेकर घर आए, और वर्ल्ड कप की अगर बात करी जाए तो वो भी आ रहा है तो हम उम्मीद यहां पर भी जो है वो करके जरूर चलेंगे। अब यशस्वी जायसवाल की अगर बात करी जाए तो वो भी इस नॉमिनेशन का हिस्सा है लेकिन कैटेगरी उनकी अलग है। अगर आईसीसी की बात करी जाए तो हर साल इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है और इसमें जो नॉमिनेशन है वो काफी ज्यादा शानदार है, यानी कि यशस्वी जायसवाल को कड़ा जो है वो चैलेंज मिलने वाला है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि गैरल कोटजे हैं साउथ अफ्रीका के, जिनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा शानदार रहा था और इसी की वजह से मुंबई इंडियंस में वो इस साल जो है वो दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद जो है वो दिलशान मधुशंका आते हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं। रचिन रविंद्र की अगर बात करी जाए तो इन्हें 80 लाख में जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और वर्ल्ड कप में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए थे। सचिन का भी उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा था। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी जो नॉमिनेशन है, जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज हैं। और जहाँ तक इन अवार्ड्स की बात है तो ये कहीं ना कहीं साल के जो महीने का एंड होगा जनवरी का यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 जनवरी के बाद ICC विल अनाउंस द नॉमिनेशन फॉर 9 मोर कैटेगरीज दैट ऑल्सो इंक्लूड टेस्ट एंड ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ICC टू रिवील मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनी, यानी कि सारे नॉमिनी जो है वो लगभग एक हफ्ते के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। और जहाँ तक वोटिंग की बात है तो आपके पास भी ये मौका रहेगा वोट करने का, तो जाइएगा और जिताइएगा। बाकी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जो है वो कनेक्ट रहिए क्रिकेट इन कनेक्ट के साथ।